नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर स्टोन में। तो हमने पंजाबी की दो क्लासेस अब तक पढ़ी हैं। तो डे वन में हमने उड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा सीखा था। तो डे टू के अंदर जो हमने पढ़ा था उसकी पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट जो इसकी वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क। तो क इस तरह से बनाया जाता है पंजाबी में, और हिंदी में इस तरह से बनाया जाता है। उसी तरह से ख इस तरह से बनाया जाता है, यह बना के और फिर उसको ज्वाइन करना है इस तरह से, और हिंदी में इस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी रिवीजन करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें अक्षर सीखने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद ग जो हमने बनाया था वो पंजाबी और हिंदी में बिल्कुल ही सेम तरीके का होता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल सेम दिखता है। तो ग हमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि हिंदी और पंजाबी दोनों में सेम होता है। इसके बाद हमने सीखा था इसके अंदर घ। तो घ पंजाबी में इस तरह से बनाया जाता है और हिंदी में भी कुछ इस तरह से ही होता है, सिमिलर ही होता है। और इसके बाद लास्ट अक्षर जो हमने डे टू के अंदर पढ़ा था पंजाबी में वो था ळ, जो इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ, और हिंदी में इस तरह से बनाया जाता है। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने हमारी वीडियो को अब तक नहीं देखा तो मैं इसका जो लिंक है कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। और किसी ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो इस चैनल में हम वीडियोज़ डालते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डे थ्री के अंदर आगे के कुछ नए अक्षर। तो पहला अक्षर यहाँ पर हम सीखते हैं च। तो हिंदी में हम च किस तरह से बनाते हैं? सिंपल, इस तरीके से। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है, तो कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ च की तरह ही है, सेम। और इसकी जो इंग्लिश साउंड आती है वो इस तरह से आती है, च। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चरखड़ी, लेकिन आप अभी इंग्लिश में पढ़ पाएंगे तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ चरखड़ी लिखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप पंजाबी में भी पढ़ पाएंगे जब आप पूरे अक्षर पूरी वीडियोज हमारी देखते रहेंगे। तो इसको जो है पंजाबी में चच्चा बोलते हैं। तो किस तरह से इसको बनाया जाता है? और इस तरीके से इसको बनाया जाता है, यहाँ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी च की। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे जिसको आए बनाना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला अक्षर आज की वीडियो का सीखा है च, ठीक है। तो अगला अक्षर हम सीख रहे हैं यहाँ पर छ। तो हिंदी में आप किस तरीके से बनाते हैं वो आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल होता है छ बनाना, इस तरीके से। और इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो इस तरह से होती है छ। और यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे साहिबजादे, और यहाँ पर पंजाबी में लिखा हुआ है सेम। तो यहाँ पंजाबी में किस तरीके से बनाया जाता है? ह की तरह ही होता है, कुछ ह की तरह बना के उसको ज्वाइन करके और बीच में इस तरह से, तो इस तरीके से इसकी होती है। सो जब भी आप इस पंजाबी वीडियो को देखें तो आप अपनी नोटबुक को साथ में रखें, जिससे कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें अक्षर की, क्योंकि कुछ लोगों को लिखनी नहीं आती, वो पढ़ तो लेते हैं बट लिख नहीं पाते। तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पढ़ना फिर भी आसान होता है। तो ये था छ, और इसकी हमने इंग्लिश साउंड भी लिख दी है यहाँ पर। तो अगला अक्षर अब हम सीख रहे हैं यहाँ पर ज, जो हमें हिंदी में सिखाया जाता है ज से जहाज। तो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और पंजाबी में किस तरह से लिखा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए जूड़ा, और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं जूड़ा, और यहाँ पिक्चर भी शो की हुई है तो पिक्चर के अकॉर्डिंग भी पता लग रहा है। और इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो इस तरह से होती है जा। तो बनता किस तरीके से है? बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन इसकी, तो बहुत सिंपल है ये ज बनाना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अक्षर हम सीख रहे हैं वो है झ, जो हमें हिंदी में सिखाया जाता है झ से झंडा। और इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो कुछ इस तरीके की होती है झा। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, उससे पहले यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी झंडा ही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है? कुछ इस तरीके से, प बनाया आधा और ऊ, और इस तरह से बनाया जाता है।
तो बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। सो इस तरीके से बना सकते हैं हम इसे। तो ये था झ से झंडा, या जो इस वीडियो का अक्षर होने वाला है वो हमें सिखाया जाता है, जो हिंदी में अन खाली इस तरह से जो हम बनाते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम पंजाबी में इसको बोलते हैं नन्ना। और तो इसको बनाते किस तरह से हैं, ह की तरह बनता है लेकिन एग्जैक्ट ह नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है। ह बनाया और उसमें इस तरह से लगाया प, ह और प का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्ट है सीखना। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ नए 5 अक्षर सीखे हैं। तो जो पहला अक्षर है वो च है, अगला छ है, अगला ज, फिर झ और फिर अन। तो इस तरीके से हमने आज इसमें 5 ही अक्षर सीखे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के अक्षर सीखेंगे।